इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूरोपियन टी10 क्रिकेट लीग के दोस्तों आज के मैच नंबर 2 के बारे में, जो आपका खेला जाएगा CLJ और दोस्तों CIC टीम के बीच में। ये जो मैच है ये मैं दोस्तों शाम के 5:30 से स्टार्ट होगा और इस मैच के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में दोनों टीमों के सभी प्लेयर का रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस और फाइनल टीम मैंने शेयर किया है। देखो दोस्तों ये जो मैच रहने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के बीच में रहने वाला है जो दोस्तों इस ग्रुप में है। दोनों टीम काफ़ी स्ट्रांग है, दोनों टीमों के पास काफ़ी अच्छा दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है और काफ़ी सॉलिड दोस्तों बैटिंग लाइनअप है। तो दोस्तों दो स्ट्रांग टीम आपस में खेलती है तो फिर आपका क्या टीम होना चाहिए दोस्तों, और किस प्लेयर पे आपको रिस्क लेना है, कैसे रोटेशन करना है, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो टाइम निकाल के वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए और यदि आप मेरे टीम के साथ जाना चाहते हो तो मेरा फाइनल टीम जो मैंने वीडियो में दिया है सेव कर लीजिए। यदि इस टीम में कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो मैं फाइनल टीम एक बार फिर से आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों आप टेलीग्राम को। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा और इसका लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का घंटी बजा दीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। ये बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग CLG और दोस्तों CIC के मैच में क्या कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ना हम लोग आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सी दोगर्टी का, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, ठीक ना। ओपन बैटिंग भी करेंगे और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। दो मैच खेले, दोनों मैच में बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से इनके अलावा किसी और को आपको ट्राई भी नहीं करना है, इन्हीं को लेके चलना है, ठीक ना। ये सब प्लेयर दोस्तों आपको बैटिंग से कुछ करके देंगे नहीं। आइए दोस्तों बैटिंग सेक्शन में तरनजीत सिंह मस्ट पिक है, ओपन बैटिंग करेंगे, दो ओवर का आपको बॉलिंग करके देंगे। कैप्टन BCB आपको, आप इनको ट्राई कर सकते हो क्योंकि परफॉर्मेंस भी इन्होंने नेक्स्ट लेवल किया है दोनों ही मैचों में। नीचे आपको जेम एसिड का मिलेगा, जो आपको 3 नंबर पे आके बैटिंग बैकअप भी प्रोवाइड करेंगे और आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे। बॉलिंग जगह दोस्तों इनका देखो कन्फर्म नहीं होगा कि आपको 2 ओवर बॉलिंग करे या 1 ओवर करे, लेकिन हाई चांस है कि 1 ओवर जरूर बॉलिंग करके देंगे। है दोस्तों स्पिन बॉलर लेकिन विकेट जरूर लेके जाते हैं। ए राजापक्सा दोस्तों ध्यान रखना है, इस मैच में थोड़ा सा आप इग्नोर करके इनको चल सकते हो क्योंकि इनके सामने जो बॉलर रहेंगे ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसे राजापक्सा दोस्तों आता है ओपन बैटिंग करने के लिए, खराब ऑप्शन नहीं, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। दो मैच खेले हैं, फर्स्ट मैच में दोस्तों फ्लॉप गए थे बट सेकेंड मैच में भाई ने 30+ का स्कोर किया, तो ट्राई करना हो दोस्तों कर सकते हो। लेकिन इनका जो डर रहेगा ना, सबसे बड़ा डर रहेगा वो ये रहने वाला है, ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता है और राजापक्सा को इनको बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो राजासेकरा हो सकता है पावर प्ले में अपना विकेट दे जाए। तो मैंने अभी के लिए राजासेकरा को टीम में नहीं ले रहा हूँ, मेन रीजन बस वही है, आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ए मोहम्मद नहीं ट्राई करना दोस्तों, जे भान हम लोग नीचे से रखेंगे, ओपन बैटिंग करने आएंगे, बहुत शानदार प्लेयर है, दो मैच खेले टूर्नामेंट में बट किसी भी मैच में परफॉर्मेंस नहीं रहा है। दोनों मैच में दोस्तों अभी तक तो टूर्नामेंट में टोटली ना फ्लॉप रहे हैं बट खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है, चलेगा ना दोस्तों तो आपको वन साइडेड विन करवा के देगा। तो मैं ना देखो इनको ले जरूर रहा हूँ लेकिन इनके जगह मैं आपको कुछ रोटेशन भी शेयर कर दूंगा, इनके जगह किस बॉलर को अपने टीम में आप लेके रिस्क ले सकते हो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं बताऊंगा, ठीक ना। और लॉजिक के साथ हम लोग देखेंगे, अभी के लिए आप लोग स्मॉलिंग में जरूर इनको जगह दे सकते हो। जे बेटनी दोस्तों बॉलिंग कर नहीं रहे और बैटिंग काफी नीचे कर रहे हैं और नहीं ट्राई करना है। एम म्यूटन एक अच्छा प्लेयर है लेकिन पता नहीं परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है दोस्तों, दो मैच खेले हैं, दोनों मैच में टोटली फ्लॉप गए हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो दोनों प्लेयर पे ना रिक्स हम लोग नहीं ले सकते, तो दोनों को हम लोग टीम में तो जरूर नहीं रखेंगे, दोनों ही सेम टीम के प्लेयर है और दोनों अभी तक फ्लॉप रहे हैं टूर्नामेंट में। है दोनों बहुत अच्छा प्लेयर लेकिन दोनों अभी तक टूर्नामेंट में फ्लॉप गया, तो दोनों पे रिक्स लेने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेना तो बस एक पे ही रिक्स आप लेना। आइएगा ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पे सी मैन क्लॉक मस्ट पिक है, लेफ्ट आर्म बॉलर है दोस्तों, पावर प्ले में 2 ओवर बॉलिंग करते हैं और आपको ना 2 नंबर पे आके बैटिंग बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं। और इस मैच में देखो इनके सामने दो बैट्समैन कौन रहेंगे, दोनों ओपनर देख ले सामने वाले की टीम के तरफ से, तो दोस्तों आपको तरनजीत सिंह और दोस्तों
ए राजा शेखरा आपको ओपन बैटिंग करेंगे। हो सकता है दोस्तों पावर प्ले में ये दोनों में से किसी का भी विकेट जा सकता है। हाई चांस मेरे को राजा शेखरा का लग रहा है क्योंकि तरनजीत सिंह दोस्तों स्टिल एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, मे बी उनको टैकल कर ले, लेकिन यदि ये मारने जाएंगे तो अपना विकेट गंवा देंगे। और ये क्योंकि जो ये बॉलर है ना यार एक नंबर बॉलर है, फर्स्ट मैच में ही भाई ने 4 विकेट लिया था, मस्त पिक है, लेके चलिएगा, कैप्टन बीसी भी आप इनको लेके चलिए। बीट सैनी दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग और 2 ओवर का बॉलिंग करके देगा, इनको भी आपको सभी टीम में ट्राई जरूर कर लेना है। नीचे सीन ओटली आपको 2 ओवर का बॉलिंग करके देंगे, अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, आपको एक ही ओवर बॉलिंग करेंगे तो आपको 1 से 2 विकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग टीम के दोस्तों बॉलर है तो और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जे फ्रांडो आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और देखो दोस्तों यदि आप इनको ले रहे हो ना तो फिर आपको रोटेशन करना चाहिए, जे वान की जगह जे फ्रांडो को आप ट्राई करके चल सकते हो। क्योंकि देखो हम लोग ना जे फ्रांडो और जे बैन दोनों को एक ही टीम में रखेंगे तो हो सकता है वो कॉम्बिनेशन वर्क ना करे, क्योंकि जे फ्रांडो के सामने कौन बैट्समैन होंगे वो पहले आप देखिए, एक तो जे भान होंगे और इधर से सी डॉटी हो सकता है डॉटी दोस्तों इनको काफ़ी ज़्यादा स्कोर मार दे, ठीक ना, लेकिन यदि जे वान सही से ना खेलेंगे तो अपना विकेट दे सकते हैं जे फ्रांडो को। तो यदि आप जे वान को ड्रॉप करना चाहते हो तो फिर आप इनको टीम में ले सकते हो, ठीक ना। नीचे आपको एक उल्टन मस्ट पिक है, 2 ओवर का बॉलिंग जरूर करेंगे, लेके चलिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर है सी फ्रांडो। यदि दोस्तों सी एल जी की टीम ना बैटिंग फर्स्ट की तो ये बंदा मेरे टीम में जरूर रहेगा, बैटिंग फर्स्ट में दोस्तों मैं इनको अपने टीम में रखूंगा, और यदि दोस्तों सी एल जी की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो सी फ्रांडो की जगह इधर से आप डी फ्रांडो को ट्राई कर लोगे, ठीक ना। बॉलिंग फर्स्ट में डी फ्रांडो, बैटिंग फर्स्ट में दोस्तों सी फ्रांडो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम कोहली अच्छा बॉलर है बट अभी तक 2 मैच खेला है, दोनों मैच में फ्लॉप गए हैं, तो इस मैच में मैं स्मॉलिंग में तो नहीं ले रहा हूँ, ट्राई करना हो जीएल में आप ट्राई कर सकते हो, और वो भी सिर्फ ऐसे टीम में करना जब दोस्तों आप टोटली वन साइडेड कम्बिनेशन बना रहे हो सी एल जे टीम को फेवर करके, ठीक ना। आइएगा बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में एम बेस्ट हम लोग के ऑप्शन होंगे और नीचे से जे मल्डर होंगे। एम बेस्ट जे मल्डर दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दोनों आपको 2-2 ओवर का बॉलिंग करेंगे, स्पेशली जे मल्डर तो कंफर्म 2 ओवर का बॉलिंग करेगा, हो सके एम बेस्ट 1 ओवर का बॉलिंग कर जाए, लेकिन जे मल्डर 2 ओवर का बॉलिंग करेगा। स्मॉलिंग में मैं दोनों को ले रहा हूँ। डी फ्रांडो का दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको रोटेशन बता दिया। फिर नीचे दोस्तों आपको सी रोबिंसन का ऑप्शन मिलेगा, प्लेयर अच्छे हैं दोस्तों लेकिन बॉलिंग का चांस नहीं मिल रहा है, नहीं ट्राई करना है, ओके। बात कर ले कैप्टन बीसी ऑप्शन के लिए, तो देखो इस मैच में मेरे को ना मेरे अकॉर्डिंग 3 बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन बीसी के लिए, सी डोगर्टी, तरनजीत सिंह और दोस्तों सी मैनकुलॉफ, ये 3 दोस्तों सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन में भी सैनी को भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मेनली आप यही 4 पे इस मैच में कैप्टन बीसी करो। मैं भी के लिए सी मैनकुलॉफ कैप्टन और बीसी तरनजीत सिंह को कर रहा हूँ, बट जो भी भाई लोग रिस्क लेना चाहते हैं आप डायरेक्ट बीसी ऊपर से विकेट कीपिंग सेक्शन से कर सकते हैं। अभी के लिए सभी दो सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम दोस्तों इसी टीम के साथ जाइए और अपना कॉन्टेस्ट प्ले कीजिए और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। सभी प्लेयर खेले, कोई चेंज नहीं कीजिएगा, अदर कोई प्लेयर नहीं खेलता है फिर आप चेंजेस कर सकते हो। और यदि आप मेरे टीम के साथ जाना चाहते हो तो यदि कोई प्लेयर अब्सेंट होगा तो फाइनल टीम में फिर से आपको अपडेट करके ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और इसका लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजाते, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।